नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं सेंसिबल के इस नए हिंदी डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं हमारा मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले देखेंगे जो हमने कल एनालिसिस किया था वो आज कैसा टर्नआउट हुआ है। दूसरी बात करेंगे आगे मार्केट किस तरह का हो सकता है। तो आपको ये बात याद होगी, मैंने सिंपल से आपसे ये चीज कही थी कल कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम साइडवेज के लिए देखेंगे मार्केट, गैप डाउन ओपन होता है कॉल सेल करेंगे, गैप अप ओपन होता है पुट सेल करेंगे। ये हमारी एक्सपायरी डे ट्रेड्स होंगी और आई गेस काफी इजी टर्नआउट हुआ। निफ्टी निफ्टी तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि इजी मार्केट रहा था आज। मुझे कुछ काम था तो मैं ट्रेड नहीं कर पाया, बट मुझे लगा कि आज काफी इजी मार्केट रहा आज। पहला 15 मिनट का कैंडल का ब्रेक भी हम लोग देख लेते हैं तो भी बात बन सकती थी। ठीक है, तो एक तो ये बात जैसे हमने कल भी कही थी बस, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, हालांकि इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट हाँ ये सोचा था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो इन लेवल्स के कॉल सेल करेंगे। और अगर मार्केट मान लीजिए इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो सिंपल सी बात है, एक बात आप ये समझ लीजिए, अगर जैसे जो बड़े लेवल्स हैं जैसे 16,000 लेवल जो हम कल सपोर्ट के हिसाब से सोच रहे थे, उसके नीचे मार्केट ओपन हो गया तो अब वो रेजिस्टेंस बन जाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने कई बार ये चीज बता रखी। तो अब देखते हैं वो कि मार्केट आगे कैसा हो सकता है। तो देखिए बात ऐसी है यहाँ पर कि ये जो आपने पहला हमें यहाँ पर एक बुलिश प्राइस एक्शन दिखा मार्केट में, फिर एक हम ये बेरिश प्राइस एक्शन दिखा मार्केट में, राइट। अब इतना बड़ा मार्केट गैप डाउन खुल के भी मार्केट और नेगेटिव मोमेंटम कर चुका है, राइट। अब यहां पर अगर फिर से मार्केट में एक गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है तो हम मार्केट में सेल नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है कि जिन लोगों ने अगर यहां की भी अगर वो होल्ड रखी होंगी ट्रेड्स और आज भी मार्केट बेरिश मोमेंटम किया है तो उन्होंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, और अगर मार्केट फिर से गैप डाउन ओपन हो जाता है फिर मार्केट में क्या है कि फिर से फर्दर सेलिंग थोड़ा सा मुश्किल है मेरे हिसाब से, और उसके बाद हमें वहां पर फिर से देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। ठीक है, प्राइस एक्शन कैसा देख सकते हैं आप? प्राइस एक्शन ऐसे देखते हैं, ऐसे देख सकते हैं जैसे आज के दिन में आपने देखा होगा कि बस मार्केट ओपन हुआ, जस्ट सेकेंड मैं चार्ट बड़े कर देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल सा प्राइस एक्शन है तो 15 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट हो गया, या फिर ऐसा देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ नीचे गया ऊपर गया, ठीक है, फिर उसके बाद एक ऑलमोस्ट साइडवेज में जाकर मार्केट ने जब ये ब्रेकआउट यहाँ पर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन पता चला। देख रहे हैं एक आप ये चीज देखिए कि ये जो मार्केट ने हाई बनाया इसको नहीं ब्रेक किया, बट ये जो लो बनाया इसको बहुत इजीली ब्रेक कर दिया, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। और दूसरी बात, मुझे ये भी लगता है कि मार्केट में एक सॉर्ट ऑफ गैप अप ओपनिंग भी हो सकती है, और अगर मार्केट फिर अगर गैप अप ओपनिंग हो गया तो ये जो गैप इतना बड़ा क्रिएट किया हुआ ये तो रहेगा एक बड़ा सा चंग रेजिस्टेंस रहेगा, और नीचे वाला ये स्विंग रहेगा सपोर्ट। एक अच्छा ट्रेड हमें कब मिल सकता है? जब मार्केट फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होकर ये स्विंग अगर क्रॉस करता है मार्केट तब हमें एक अच्छा सेल ट्रेड मिल सकता है। फिर हमारे टारगेट इजीली आप ये समझ लीजिए अराउंड, अगर ये यहाँ पे जा रहा है तो 15,700 तक आपके टारगेट इजीली हो सकते हैं। ठीक है, 15,700 15,685 आपके टारगेट हो सकते हैं मार्केट में, बट हाँ कंसिडर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए, उसके बाद मार्केट में एक शार्प मोमेंटम आ सकता है अगर ये स्विंग क्रॉस करता है तो। ठीक है, मैंने आपको तीनों ही केस बता दिए, मार्केट अगर गैप ओपन हो जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट साइडवेज चला जाएगा, बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस रहेंगे ये एक सपोर्ट रहेगा और मार्केट इतना बड़ा फॉल दे ही चुका है पहले। ठीक है, दूसरा आगे हमें क्या, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, उसके बाद हम मार्केट में कोई ट्रेड ले पाएंगे। ठीक है, दूसरा आगे बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ एनालिसिस है मेरा यहाँ पर भी कि बॉस मार्केट को फ्लैट ओपन होना चाहिए, फ्लैट या थोड़ा गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होता है यहाँ पर, ठीक है, ये जो स्विंग है इस स्विंग के बीच में कहीं भी मार्केट अगर ओपन होता है तो इसके बाद जब क्रॉस करेगा तो हमें एक अच्छा ट्रेंड मार्केट में देखने को मिल सकता है। 33,000 बहुत ईजी टारगेट हमें मार्केट से मिल जाएगा, राइट। गैप डाउन ओपन होगा तो मेरे हिसाब से आपको प्राइस गैप डाउन ओपन होगा तो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, और अगर गैप ओपन होता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर साइडवेज मार्केट की ज्यादा चांसेस है, बिकॉज ऑफ दिस विल बी अ रेजिस्टेंस एंड दिस विल बी अ सपोर्ट। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट अभी देखने का कोई सेंस नहीं बिकॉज मार्केट आज ही एक्सपायरी हुआ है, बट अगर देखा जाए तो 16,000 पर एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है मार्केट। ठीक है, और कल के दिन मुझे लगता है ओपन इंटरेस्ट और खासा डेवलप हो जाएगा, और हम ये भी देख सकते हैं वैसे तो
ओपन इंटरेस्ट में जाकर हम लोग वीक, अब तो ये वीकली मंथली हो गया ना, ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है अभी निफ्टी का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आज के दिन में भी कॉल राइटिंग बहुत जबरदस्त हुई है, और दूसरा जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और जो कंजेशन लेवल है वो बता रहा है 16,000 का, ठीक है। मार्केट अगर इसी के नीचे रहता है तो फिर मार्केट में और ज्यादा पुश आ सकता है, बिकॉज ये भी अपने जो पुट्स हैं वो स्क्वायर ऑफ करेंगे यहाँ पर, और काफी लंबे समय से हैं ये अगर रख रखा है तो उनको ठीक ठाक प्रॉफिट हो भी रहा होगा, वी डोंट नो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी आप रेजिस्टेंसेस देख सकते हैं अपसाइड पर, और सपोर्ट देख सकते हैं अराउंड 33,000 पर। तो 33,000 मुझे लगता है कि इजी टारगेट मिल सकता है अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है तो। एफआई डेटा आप देखें अगर तो कोई बड़ी इतनी बड़ी एक्टिविटी नहीं है, बट हाँ पुट में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर पुट्स खरीदे गए हैं, और फ्यूचर्स में ठीक ठाक एक्टिविटी है, अराउंड 1,000 करोड़ का सेल है, बट स्टॉक्स में आप देखेंगे 5,000 करोड़ यहाँ पर बेच दिए गए हैं, ठीक है, बिक गए 5,000 करोड़ रुपए, ठीक है। अब आप वर्डिक्ट सिंपल से मेरा यही है कि मार्केट में सेंटिमेंट्स काफी चेंज हो गए, बहुत ज्यादा चेंज हो गए, गैप डाउन होने, और बहुत बड़ा गैप डाउन था, अगर थोड़ा कम छोटा गैप डाउन होता तो मार्केट फिर भी ट्राई कर सकता था ऊपर जाने के लिए, मुझे अब थोड़े से चांसेस कम लग रहे हैं, अब तो मुझे नीचे के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, अराउंड 15,500 तक मुझे लगता है मार्केट पहुंच ही जाएगा। और अभी मेरे हिसाब से कॉल सेल करना एक ठीक ट्रेड रहेगा पोजिशन अगर आप जाना चाहते हैं तो, और इंट्राडे के लिए मैंने आपको बताई दिया है कल के आपको कैसा करना है, बट हाँ कॉल सेलिंग ट्रेड एक अच्छा ट्रेड है कि बस आपको पूरे, अब देखिए अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर गैप डाउन ओपन होकर मार्केट प्रॉफिट बुक करता है, ठीक है, तो भी आपको कॉल सेल प्रॉफिट कमा के देगा, बिकॉज अगर मार्केट थोड़ा भी करेक्ट होता है तो आईवी नीचे गिरेगा, तो आईवी से आपको कॉल में प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इस वजह से कॉल सेलिंग एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है अभी, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बढ़ते हैं हम लोग हमारे डॉलर के एनालिसिस की तरफ। तो अगर मैं यूएसडी आईएनआर देखूं तो अब यहां पर मुझे थोड़ा बहुत नेगेटिव सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अगर अभी आप देखेंगे तो अब ऐसा समझ में आ रहा है कि यहां पर देख रहे हैं कि मार्केट अपसाइड गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आना चाह रहा है वापस। तो जैसा मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, यहां पर मार्केट किस तरह से, यहां से अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो ये बुलिश हो गया, बट अगर मार्केट यहां से रिजेक्ट होकर वापस नीचे आने लग जाता है तब मार्केट जैसे ही लो क्रॉस करेगा तब थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो यहां पर बनेगा, तब बेरिशनेस बनेगी। अब ये बनता हुआ है हमें वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो यहां से अगर मार्केट मान लीजिए इसके नीचे और ट्रेड करना शुरू कर देता है, इस तरह की कैंडल और बना देता है, तब बेहतर होगा हमारे लिए कॉल सेल करना इन हाईस के, ठीक है, ये जो हाई है इनके कॉल सेल करना हमारे लिए सबसे अच्छा होगा, ठीक है। तो ये तो था मेरा निफ्टी, बैंक निफ्टी और डॉलर का एनालिसिस, आई होप आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो चैनल हमने बनाया है निफ्टी में ये टेस्ट हो जाएगा क्या, ये जो चैनल हमने बनाया हुआ है ये नीचे वाले इन लोस को पकड़कर, तो चैनल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मुझे लग रहा है, ये इस तरह से ये जो चैनल हमने बनाया है मुझे लगता है कि ये लो को मार्केट टेस्ट कर लेगा, ठीक है, आने वाले कुछ समय में मार्केट इस लो को टेस्ट कर सकता है, इस चैनल के लो को बहुत आसानी से मार्केट टेस्ट कर सकता है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? इसी के साथ हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूंगा कि बॉस अपने कैपिटल को बचा के ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, हेज के साथ ट्रेड करिए, और हाँ अगर शॉर्ट नहीं है तो ना ट्रेड करें, और इसी के साथ हमेशा की तरह आपसे वही कहूंगा कि हैव अ सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग विद सेंसिबल। बाय।